किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम बासमती की नई किस्म पंजाब बासमती 7 के बारे में बात करेंगे। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU लुधियाना ने बासमती की एक नई किस्म पंजाब बासमती 7 विकसित की है, जिसकी बुआई इस खरीफ सीज़न में होगी। PAU ने इस किस्म की सिफारिश पंजाब के सभी बासमती लगाने वाले इलाकों के लिए की है। पंजाब बासमती 7 को खुशबूदार किस्म बासमती 386 और पूसा बासमती 1121 से मिला के विकसित किया गया है। इसमें तेज सुगंध होती है। ये नई किस्म पंजाब में पाई जाने वाली बैक्टीरियल ब्लाइट या झुलसा रोग की सभी 10 प्रजातियों का मुकाबला करने के सक्षम है। इसकी अन्य विशेषताएं जैसे कि चावलों की लंबाई, चढ़ाई व पकाना पूसा बासमती 1121 से मिलती हैं। शोध में पाया गया कि पंजाब बासमती की उपज पूसा बासमती 1121 से 11.4% और पूसा बासमती 1718 से 6.1% अधिक है। इसकी औसत उपज 19.4 क्विंटल प्रति एकड़ है। शोध में ये भी पाया गया कि सीधी बुवाई या DSR की विधि से पंजाब बासमती 7 की औसत उपज पूसा बासमती 1121 से 17.7% ज़्यादा है। पंजाब बासमती 7 101 दिन में तैयार हो जाती है, जो कि पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1718 से एक हफ्ता कम है। इसका कद 111 सेंटीमीटर है। इसकी रुपाई जुलाई के पहले पखवाड़े में करने की सलाह है। इस वीडियो से जुड़ा हमारा सवाल है, पंजाब बासमती 7 की औसत उपज कितनी है? इसका जवाब हमारी ईमेल info@farmingcosmos.com पर दें। धन्यवाद।